सब बेचेगा। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स, जितना ये करते हैं और सब बेचेगा। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स, जितना ये करते हैं और मेनका गांधी का नाम आपने सुना है, बहुत बड़ी नेत्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनका एक वीडियो आया है, वो ये कह रही कि इस्कॉन वाले जो हैं, इस्कॉन टेंपल, इस्कॉन मंदिर, राजधानी पटना में बड़ा खूबसूरत मंदिर बना है, आप वहां देखे होंगे, जाते होंगे, राजधानी के लोग तो वहां जाते ही हैं। वो एक बड़ा खुलासा करती हुई नजर आ रही है। मेनका गांधी ने कहा कि इस्कॉन वाले जो है ये सबसे बड़े गौ के व्यापारी हैं, यानी गौ तस्करी करते हैं और ये गाय जो है कसाई को बेचते हैं। दरअसल गाय जो है वो भारत की राजनीति का एक हिस्सा है। गौ माता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग लगातार जो है इस पर आंदोलन करते रहे हैं और कई बार इस मामले को लेकर के लिंचिंग की घटनाएं भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान भी लिया और कई राज्य ने तो इस पर कानून भी बना दिया। लेकिन मेनका गांधी का ये बयान है वो कितना अहम है और इस मामले को लेकर के मेनका गांधी ने जो खुलासा किया वो समझिए कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है। मेनका गांधी ने कहा कि मैं जाती रहती हूं, मैं एक जगह गई और जाने के बाद वहां हमने देखा कि ये लोग इस्कॉन वाले जो लोग हैं गौ के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए सरकार से लेते हैं, एनजीओ बना करके गौ विकास के नाम पर सरकार से सहायता लेते हैं। और जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि एक भी गाय ऐसी नहीं थी जो स्वस्थ हो, और गाय तो गाय छोड़िए, गाय का जो बछड़ा है वो भी नहीं था, जीरो बटा सन्नाटा। तो मेनका गांधी ये कह रही है कि मैंने अंदाजा लगाया इस बात से कि ये लोग सारी स्वस्थ जो गाय है उसको बेच लेते हैं कसाई के हाथ से। जो बीफ का कारोबार हो रहा है उस कारोबार में कहीं ना कहीं मेनका गांधी ये इशारा कर रही है कि इस्कॉन मंदिर वाले लोगों का, इस संस्था में जुड़े हुए लोगों का पूरा पूरा हाथ है, एक भी बछड़ा नजर नहीं आया हमें वहां पर। और इस मामले पर सरकार से करोड़ों करोड़ रुपया इस्कॉन टेम्पल वाले लेते हैं और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि ये आस्था गाय की जो है उस आस्था के साथ कारोबार जुड़ा हुआ है, उस आस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मेनका गांधी का जो बयान है वो सनसनी फैला रहा है और इस्कॉन की तरफ से कोई बयान अभी नहीं आया है कि मेनका जो कह रही है वो झूठ है। मेनका ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि मैं वहां गई थी, जाने के बाद मैं जाती रहती हूं, कई जगह इस्कॉन वाले जो संस्थान है वहां मैं जाती रहती हूं, वहां मैं जब गई तो मुझे देख करके ताज्जुब हुआ कि ये लोग गौ विकास के नाम पर, गौ माता के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए सरकार से लेते हैं और लेने के बाद जो है स्थिति ऐसी है कि वहां तो अच्छी गाय भी नहीं है, गाय तो गाय छोड़े, गाय का जो इतना बछड़ा लाखों पैदा होता है वो बछड़ा जाता कहां है। तो मेनका ये अंदाजा लगाती है कि ये बछड़ा कसाई को बेचा जाता है, ये गाय कसाई को बेची जाती है और वहीं से बीफ का कारोबार चल रहा है। तो जो बीफ है, गौ हत्या का मामला है, गाय का गोश्त बेचने का जो मामला है, ये सीधा सीधा इल्जाम मेनका गांधी ने इस्कॉन टेम्पल पर लगाया है और इस पूरे मामले पर इस्कॉन ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि मेनका गांधी अपने बयान पर आज भी अटल है। अब देखना यह है कि इस्कॉन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, क्या दलील दी जाती है कि हाँ भाई हम लोग गाय को लेकर के बहुत सेंसिटिव है, गाय आस्था का विषय है, लेकिन मेनका गांधी का जो इल्जाम है वो बहुत बड़ा इल्जाम है।